हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी लाइफ व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ 10 ऐसे हैबिट्स जो हम लोग को मोटिवेट करते हैं अपने हाउस को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। सबसे पहला हैबिट है कि डिश वॉशर को अनलोड करना। सुबह जैसे ही मैं किचन में उठ के आती हूँ तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं डिश वॉशर से बर्तन अपने अपनी जगह पे रख दूँ, क्योंकि इन्हीं बर्तन को मुझे फिर से रीयूज़ करना है। अगर मैं इस बर्तन को सुबह में ना करके छोड़ दूँ तो ये काफ़ी हद तक डिले होने लगता है, फिर बाद में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन होने लगता है। इसलिए सबसे पहला काम यही है मेरे लिए कि मैं अपने बर्तन को जगह पर रख दूँ। फिर सेकेंड काम जो मैं करती हूँ वो है अपने रूम बेडरूम्स में या दोनों बेडरूम्स के जो बेड होते हैं उसको अच्छे से सेट कर देना। तो यूजुअली ये काम मैं तब करती हूँ जब घर में कोई भी नहीं रहता है, सब ऑफिस या स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि बच्चे उठ के रेडी हो जाएँ, खा पी लें, स्कूल चले जाएँ, उसके बाद मैं आराम से ये काम करती हूँ। बट कोशिश करना है कि हमें 10 बजे से पहले ये सब काम करके निपटा लेना है, नहीं तो फिर बाद में ये डिले होने लगता है और हमारे घर में नीटनेस बिल्कुल भी नहीं रहता है। सो, ये हमें प्रायोरिटी बनाना है कि हमें बेड जो है जल्दी ही निपटा लेना है। फिर फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट आता है कि जो भी टॉयज़ होते हैं या फिर शूज़ होते हैं वो इधर उधर पड़े हुए रहते हैं, उन सबको एक स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ये ज़रूरी ये नहीं होता है कि हम एक महंगा ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के रखें। मेरे पास एक पुराना हैंडबैग था, वो जो काफ़ी बड़ा जब रेड कलर का देख रहे हो, मैंने उसमें डाल दिया। बस ऑर्गेनाइज़ करके जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए ज़रूरी ये है कि मैं अपने घर को प्रेजेंटेबल रखूँ, मेनटेन करके रखूँ बस, क्योंकि मुझे पता है कि जब बच्चे वापस घर आ जाएंगे तो फिर से यही चीज़ होने वाला है और दूसरे दिन सुबह फिर से मुझे यही काम करना है। तो ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा काम जो मैं हमेशा या रेगुलरली करती हूँ वो है अपना लॉन्ड्री एवरी डे करती हूँ। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मुझे दिन भर में 2 बार भी लॉन्ड्री करना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट येस एवरी डे करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बेस्ट टाइम मुझे लगता है कि सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अपना लॉन्ड्री एक लोड तो ऑन कर ही लेना चाहिए। और देखिए आधे ही दिन में हमारा काम ख़त्म हो जाता है, कपड़े भी सूख जाते हैं अगर धूप अच्छी निकली हुई है तो। और जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं तो दूसरा काम यहाँ पे आने लगता है कि हमें अपना जो भी कपड़े होते हैं उसको इमीडिएटली फोल्ड करके जगह पे रख देना चाहिए। अगर कपड़े सूखे हुए कपड़े हमने ऐसे ही बेड पे या सोफ़ा पे छोड़ दिया तो वो काम हमेशा ही पेंडिंग रह जाता है, फिर हमें बाद में वो मन नहीं करता है, वो लेजीनेस हो जाता है कि मैं बाद में कर लूँगी। तो इसलिए हमें डिले कोई भी काम नहीं करना है। फिर मुझे एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि हमेशा हमारे घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए एक अच्छे गुड क्वालिटी माइक्रोफाइबर क्लॉथ में और क्लीनिंग टूल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे अलग अलग जगह से माइक्रोफाइबर क्लॉथ ख़रीदना मुझे बहुत पसंद है, और ये है 2 लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ UK में बहुत आसानी से मिल जाता है ये दोनों क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, मैं किचन और वॉशरूम दोनों के लिए यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अनदर चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये विंडो और ग्लास क्लीनर के लिए यूज़ होता है। मैं कुछ ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, ये वाला प्रोडक्ट मुझे बहुत ही हैंडी लगता है। बस उसके बॉक्स में हमें थोड़ा सा पानी और डिश लिक्विड डाल के स्प्रे करना है और ऊपर से आप ऐसे वाइप डाउन कर लीजिए, आपका जो एक ग्लास होगा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, कोई मेहनत नहीं होता है। फिर आते हैं हम लोग 6th टॉपिक पे कि अपना जो गार्बेज एरिया होता है, जो भी हमारा कचरे का बॉक्स होता है, उसको हमें रेगुलरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए हमारा काम आसान करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय यही होता है कि जो हमारा कचरे का या फिर जो कचरे का जो बैग होता है उसका जो रोल होता है, मैं उसको क्या करती हूँ खोल के सीधा बिन में ही डाल देती हूँ, तो एक के बाद एक उसके साथ ही वो निकलता रहता है। और ये वाला लास्ट था तो इसलिए ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है, लेकिन यूजली जो रोल होता है मैं साथ में नीचे में डाल देती हूँ और फिर वो काम मेरा काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यस एवरी डे हमारे किचन बिन को भी हमें रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बेडरूम में अगर बिन्स हैं तो उनको भी रेगुलरली आप लोग खाली कीजिए। तो ये वाला एक प्रोडक्ट है जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं होम बार्गेन से लेके आई थी। फिर अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारा जो सिंक और एरिया होता है किचन में, उसको हमें हमेशा ही क्लीन, टाइडी और ड्राई रखना चाहिए।
कभी भी उसमें बर्तन छोड़ के हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बहुत जल्दी पाइल अप होने लगता है। तो जैसे ही आपने चाय पिया, कॉफ़ी पिया, कुछ खाना बना दिया, तो इमिडिएटली आप उसको डिशवॉशर में रख दीजिए या फिर उसको धो के जगह पे रख दें। उससे क्या है कि हमारा किचन जो है काफ़ी हद तक नीट दिखने लगता है, और फिर आज आसपास में जो भी बर्तन धोने से जो भी पानी स्पिल हो जाते हैं या गिर जाते हैं, उसको भी हमें इमिडिएटली साफ़ करके अब उस एरिया को अच्छे से ड्राई और क्लीन कर देना चाहिए। फिर दूसरा टॉपिक यहाँ पे ये है कि हमारा जो किचन काउंटर टॉप होता है उसको हमेशा हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जैसे ही खाना हम लोग बना रहे थे, जैसे ब्रेकफास्ट बना लिया तो फिर आप साफ़ कर दीजिए एक बार, लंच और डिनर बनाने के बाद भी हमें उसको रेगुलरली साफ़ करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको रोज़ डीप क्लीनिंग करें, बस हम लोग एक के बाद एक अगर ऐसे ही चलते फिरते अगर हम साफ़ करते रहें तो हमारा किचन काफ़ी हद तक चमक जाता है। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ इज़ अ मस्ट, उससे हमारा किचन बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। फिर दूसरा क्लीनिंग हैबिट मैं फॉलो करती हूँ कि जब भी मैं शावर लेने जाती हूँ उससे पहले मैं 5 मिनट अपने दोनों वॉशरूम्स को ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं पहले टिश्यू पेपर से जितना भी डस्ट होता है पहले उसको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद एक वेट वाइप्स लेके मैं पूरा ऊपर से नीचे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ये ऑन द गो मेरा चलता ही रहता है, कभी जैसे मैं वॉशरूम में ब्रश करने जाती हूँ कुछ गंदा दिखा तो फिर साफ़ कर दिया, या फिर नहाने से पहले, तो ये काम तो मैं रोज का ही रहता है कि मुझे करना ही है। आई थिंक दैट इज़ अ बेस्ट टाइम, क्योंकि आप नहाने भी जा रहे हो तो बेस्ट यही होता है कि नहाने से पहले आप साफ़ कर लो। वो वॉशरूम का जो प्लेटफॉर्म होता है वो भी काफ़ी हद तक कभी कभी ना बहुत ही कचरा दिखने लगता है, वहाँ पे बाल होते हैं, बहुत सारे डस्ट होते हैं, तो उस सबको अच्छे से बस हम लोग एक बार डस्ट कर देंगे और जगह पे सामान रख देंगे तो काफ़ी हद तक नीट होने लग। फिर साथ ही साथ जो भी वॉशरूम में जो सिंक एरिया होता है उसको भी मैं रेगुलरली साफ़ कर देती हूँ पानी से, और कभी कभी मैं उसको जो वहाँ पे जो हैंड वॉश रहता है उसी से ही मैं इमिडिएटली साफ़ कर देती हूँ। तो बस लगता है 5-6 मिनट, और 5-6 मिनट में हमारा काम काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर दूसरा काम होता है कि हमें रेगुलरली अपने घर में और जो सबसे ज़्यादा जो एरिया गंदा होता है स्पेशली किचन का एरिया, उसको हमें रेगुलरली हमें झाड़ू या फिर वैक्यूम ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि बाकी घर को तो हम लोग कर ही लेते हैं लेकिन किचन का भी एरिया जो होता है ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हमें 2-3 बार लगातार करना ही पड़ता है, और फिर जो एरिया गंदा है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा साफ़ करना रहता है उस जगह को भी हमें आप चाहे किसी गीले कपड़े से या फिर वाइप से आप अच्छे से उस एरिया को साफ़ कर सकते हैं। ये सब काम जो मैंने आज बताए हैं इस वीडियो में रेगुलरली हम सबको मालूम ही है, लेकिन कभी कभी लेजीनेस की वजह से हम ये काम नहीं करते हैं या फिर प्रोकेस्टिनेट कर देते हैं कि मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन सच ही बताऊँ तो बाद में का टाइम वो कभी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स अब वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। चलिए मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू और मैं यहाँ रहती हूँ लंदन में, और पहली बार ये एक फ़र्स्ट टाइम है जो मैं फ़ेस टू फेस आई हूँ अभी और आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, और मैं दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सब ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया, एंड ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है एक एक, एंड मीन्स अ लॉट, बिकॉज अब मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पे आ चुकी हूँ, जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया। दैट्स अ लाइक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। जो भी न्यू क्रिएटर्स होते हैं वो सब लोग जानते हैं कि 1000 जो सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन होता है वो अचीव करना इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो आज मुझे ये माइलस्टोन मैंने पार कर लिया है, सो a big thank you to all of you।
और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम फ़ेस टू फेस आके बात कर रही हूँ, इससे पहले भी आप लोगों ने मेरे फेस देखा ही होगा मेरे वीडियोस में, मेरे हाउस का जो व्लॉग्स होता है उसमें, लेकिन यूजुअली मैं बात नहीं करती हूँ फ़ेस टू फेस, इज़ द फर्स्ट टाइम, तो मुझे थोड़ा सा यू नो फ्री होने में थोड़ा ऑड लग रहा है, बट आई थिंक आगे चल के धीरे धीरे आई एम श्योर इट विल बी फाइन. बट या थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मोटिवेशन एंड द सपोर्ट, थैंक यू सो मच.